नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। खाद की चेतावनी, 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे किसान, कहा अब से छोड़ दे सरकार। किसानों की दो टूक, कानून वापसी तक घर वापसी नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा की 10 जनवरी की बैठक में अगली रणनीति पर मंत्रणा। खाद्य सामग्री लेकर आंदोलन में शामिल होने रवाना हुए उत्तराखंड के किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली वे कार से रवाना हुए 35 किसान। दो और राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, हरियाणा में मारी जाएंगी 1,66,000 मुर्गियां। दिल्ली में 3 जगह मरे मिले 35 कौए, मयूर विहार में खौफ, लोगों ने किया सैर से किनारा। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में बर्ड फ्लू का अलर्ट, रोकथाम के लिए चिकन शॉप बंद रखने के आदेश। मध्य प्रदेश में मिला कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला, शख्स पिछले महीने यूके से लौटा था इंदौर। दिल्ली में 1 सप्ताह में शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान, सफल रहा तीसरा अभ्यास। कोवैक्सीन के ट्रायल डोज से वॉलंटियर की मौत, परिजनों ने वैक्सीन पर उठाए सवाल। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 18,222 नए मामले, कुल मामलों की संख्या 1.04 करोड़ के पार। पंजाब में कोरोना वैक्सीन का तीसरा पूर्वाभ्यास सफल, लोगों की सहमति के बाद लगेगा टीका। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ा, खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम कर रही पूछताछ। महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल में जिंदा जले 10 नवजात, पीएम मोदी ने जताया दुख, पीएम ने दिए जांच के आदेश। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, पिछले साल अक्टूबर में की थी शाह से मुलाकात। माधव सिंह सोलंकी का 94 साल की उम्र में निधन, 4 बार रहे गुजरात के मुख्यमंत्री। ट्रंप का व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से बंद, आधिकारिक हैंडल के ट्वीट भी हटाए गए, टीम का अकाउंट भी किया बैन। बागेश्वर के बाद अब उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.3 मापी गई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया स्थगित, बढ़ सकती है आयु सीमा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 4,200 पदों पर आवेदन किया आमंत्रित। भोपाल बना देश का पहला ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी करने वाला शहर, देश में पहली बार भोपाल में हुई इसकी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ग्रीन पेट्रो फैक्ट्री में तेल टैंकर फटने से लगी आग, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में 22 जनवरी तक 2G इंटरनेट सेवा ही होगी उपलब्ध, 3G 4G मोबाइल इंटरनेट की उपलब्धता पर प्रतिबंध पूर्ववत रखा। मुंबई ड्रग्स केस, एनसीबी ने 3 ठिकानों पर फिर मारे छापे, एक दिन पहले पकड़े गए थे 5 लोग। ब्राजील के राष्ट्रपति ने लगाई प्रधानमंत्री मोदी से गुहार, पत्र में लिखा जल्द भेजिए कोरोना वैक्सीन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, पीएम मोदी होंगे अध्यक्ष। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में 3रे दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया 197 रन से आगे,